हे गाइस, लेट्स कुक विद सुचिता चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एयर फ्रायर में बनने वाली टोफू बॉल की रेसिपी बता रही हूँ और साथ में मैं आपको फ्राई करके भी बताऊँगी कि कैसे टोफू बॉल बनाएं, और साथ में मैं इसमें ग्रेवी भी बताऊँगी कि आप ग्रेवी कैसे लगाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करिएगा, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए देखिए कैसे बनेगा। इसके लिए मैं एक गाजर ली हूँ बड़े साइज़ की, और 2 इंच अदरक के टुकड़े ली हूँ, और 7-8 कलियाँ लहसुन की ली हूँ, और हरे प्याज ली हूँ, और 1 प्याज ली हूँ, 400 ग्राम मैं इसमें टोफू ली हूँ। टोफू को मैं एक टॉवल से अच्छे से इसका पानी सुखा ले रही हूँ दबा दबा करके। इसे मैं प्लेट में रख कर स्क्रम्बल कर ले रही हूँ फोक की मदद से। अब इसे बोल में मैं ट्रांसफ़र कर दी हूँ, और दूसरे वाले भी टोफू बॉल को इसी तरह टॉवल से पोंछ करके दूसरे वाले टोफू को भी मैं प्लेट में रख के स्क्रम्बल कर ले रही हूँ। मैं 400 ग्राम ली हूँ टोफू, आपको जितना लेना हो आप उस हिसाब से ले लें। इसे भी मैं बोल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ, क्रश किया हुआ टोफू को थोड़ा सा हाथ से तोड़ ले रही हूँ। अब मैं 1 प्याज को बारीक काट ले रही हूँ। एक प्याज लेना है मीडियम साइज़ का, मैं मीडियम साइज़ का प्याज ली हूँ और उसे बारीक काट रही हूँ। प्याज मैं डाल दे रही हूँ टोफू में। अदरक को कद्दूकस कर ले रही हूँ, सब मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, और मैं लहसुन को भी कद्दूकस कर ले रही हूँ। मैं सब ग्रेट करके डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा काट करके डालने के बजाय ग्रेट करके। इन सब को भी डाल दे रही हूँ टोफू में। अब मैं गाजर को छील ली हूँ धो करके, उसे भी कद्दूकस करके इसमें डाल रही हूँ। हरे प्याज को भी ले ली हूँ, इसे भी बारीक काट ले रही हूँ। इस तरह से अच्छी तरह से धो करके सुखा करके इसे मैं काट रही हूँ बारीक। इसमें अच्छा लगता है हरा प्याज वगैरह टोफू बॉल में। हरे प्याज को भी डाल दे रही हूँ टोफू में। अब मैं सीजनिंग डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैं काली मिर्च पाउडर डाली हूँ, 1 टीस्पून मैं ऑरिगेनो डाली हूँ, 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाली हूँ, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स डाल रही हूँ, और मैं 1/2 कप मैं इसमें कॉर्नफ्लोर पाउडर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर पाउडर ना हो तो आप अरारोट पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सबको मैं मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। अब मैं 1 चुटकी सोडा डाली हूँ इसमें, इसे सॉफ्ट बनेगा। अब इस तरह से बॉल बना ली हूँ।
इसी तरह से मैं सारे बॉल बना लूँगी। मैं सारे बॉल बना ली हूँ, लगभग 20 बॉल बने हैं 400 ग्राम टोफू बॉल में। आधे बॉल मैं एयर फ्रायर में डाल रही हूँ, इस तरह से मैं सजा ले रही हूँ एयर फ्रायर में एक एक बॉल को। दूर दूर करके इस तरह से लगाएं और मैं ऊपर से वेजिटेबल ऑयल लगा दे रही हूँ। आप चाहे तो वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल जो भी हो, ब्रश की मदद से लगा दें। हल्का सा ग्रीस कर दी हूँ और मैं एयर फ्रायर को बंद कर ले रही हूँ। 20 मिनट के लिए मैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे पका रही हूँ एयर फ्रायर में। जब तक एयर फ्रायर में पक रहा, तब तक मैं गार्लिक काट ली हूँ बारीक और हरे प्याज को काट ली हूँ। और दूसरे बोल में मैं 2 चम्मच वेनेगर ली हूँ, 3 चम्मच मैं टमाटो सॉस ली हूँ, 2 चम्मच मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। इसमें मैं सॉस बना रही हूँ, ग्रेवी की तैयारी मैं कर रही हूँ। एक चम्मच मैं पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून है। और मैं 1/2 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाली हूँ। और 2 बड़ा चम्मच मैं शुगर डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ। इन सबको मिक्स कर ले रही हूँ ग्रेवी के लिए। और दूसरे बाउल में मैं 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर ली हूँ और इसे पानी में घोल कर स्लरी तैयार कर ली हूँ। अब देखिए, एयर फ्रायर खोल करके दिखा रही हूँ आपको। हाई, मैं आपको एक तोड़ के दिखा दे रही हूँ। ऊपर से देखिए क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। अब मैं आपको तल के भी दिखा दे रही हूँ वेजिटेबल ऑयल में। आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, फ्लेम को ज़्यादा हाई ना करें, मीडियम टू स्लो करके फ्राई करें इसे बॉल को। अगर आपके पास एयर फ्रायर ना हो तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं फ्राई करके। इस तरह से भी फ्राई करके खाएं आप, सॉस के साथ बहुत अच्छी लगती है ये बॉल। इसी तरह मैं उलट पलट करके इसे मैं फ्राई कर ली हूँ। अब मैं निकाल ले रही हूँ, देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है। टिश्यू पेपर पे मैं निकाल रही हूँ ताकि एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए टिश्यू पर। काफ़ी अच्छी लग रही है टोफू बॉल हमारी फ्राई की हुई। अब सेम पैन में मैं बना रही हूँ ग्रेवी। मैं तेल थोड़ा निकाल ली हूँ, थोड़ा सा तेल रहने दी हूँ, 1 चम्मच होगा तेल। अब मैं बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर इसे गुलाबी कर रही हूँ। स्लरी डाल दे रही हूँ और साथ में सॉस भी डाल दी हूँ इसमें। 1/2 कप मैं पानी भी धो के डाल दी हूँ सॉस को। सबको मिक्स कर ले रही हूँ। हल्का मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, नमक कम लग रहा था थोड़ा। और शुगर भी डाल दे रही हूँ, चीनी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से,
एक चम्मच खट्टा मीठा ये सॉस बनता है। थोड़ा सॉस मैं निकाल ले रही हूँ। फ्राई वाला बॉल के साथ खाने के लिए, और इसमें मैं हरे प्याज डाल दे रही हूँ ऊपर से। और इस ग्रेवी में मैं एयर फ्रायर वाला टोफू बॉल मैं डाल दे रही हूँ। मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप ग्रेवी वाला भी बना सकते हैं, आपके ऊपर है, आप जिस तरह से खाना पसंद करें, या सॉस के साथ खा सकते हैं आप, या तो आप ग्रेवी में भी डाल के खा सकते हैं। ऊपर से मैं हरे प्याज डाल दे रही हूँ। देखिए काफ़ी अच्छी बनी है हमारी टोफू बॉल की रेसिपी। अब मैं आप प्लेट में सर्व कर दे रही हूँ। काफ़ी टेम्प्टिंग लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर में और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें कि आपको टोफू बॉल की रेसिपी कैसे लगी, ग्रेवी में और फ्राई वाली और एयर फ्राई वाली। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।